हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोल के नेमिंग रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे फिनोल के केमिकल प्रॉपर्टीज, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फिनोल के नेम रिएक्शन के बारे में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आपका क्या है, फ्रीडेनक्राट अल्काइलेशन। तो फ्रीडेनक्राट अल्काइलेशन का मीनिंग क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूँ अल्किली हैलाइड के चैप्टर में। अल्काइलेशन के मीन्स एक अल्किल हैलाइड रिएक्शन होगा किसके साथ, फिनोल के साथ। तो कैसे, जब फिनोल रिएक्ट विद एक अल्किल हैलाइड, मैं मिथाइल क्लोराइड ले आऊं, तब क्या होगा, तुम जानते हो फिनोल क्या है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है OH ग्रुप फिनोल का। तो कहां पर लगेगा, अल्काइलेशन में क्या होता है, एक अल्किल ग्रुप जाकर यहां पर लगता है। तो कैसे, ओके तो जब फिनोल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड तब आपका क्या प्रोडक्ट होगा, पारा क्रेसोल। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल में मिथाइल ग्रुप लगने से क्रेसोल। आप इस वीडियो आपको पहले भी कह चुका हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल के वीडियो में। ओके तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रेसोल। यहां पर पारा क्रेसोल इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, जब अर्थोपारा डायरेक्टिंग होगा तब पारा पोजीशन आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके, देन सेकंड में फ्रीडेनक्राट असाइलेशन। फ्रीडेनक्राट असाइलेशन क्या है, ना जब फिनोल रिएक्ट्स विद एट एसिटिल क्लोराइड के साथ। और एक बार यहां पर आपका रिएजेंट क्या होगा, अनहाइड्रस AlCl3। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं फ्रीडेनक्राट में ऑलवेज रिएजेंट कौन होता है, अनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद असाइलेशन। असाइलेशन मीन्स क्या है, एक एसिटिल ग्रुप ऐड होगा, कैसे, व्हेन एक एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ, तब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तब क्या होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट होगा ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग। तो कौन जाकर लगेगा, Cl- CHC+। ओके, तो ये ग्रुप आपका जाकर यहां पर अटैक करेगा, कैसे, तो जब यहां पर लगेगा तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, ओके, और एक क्या होगा, ओके, इसका नाम क्या है, पारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल है या नहीं, मेजर ये है, मेजर कौन है, ऑर्थो प्रोडक्ट, मेजर आपका क्या है, कौन है,
सारा प्रोडक्ट मेजर। ओके तो जब फिनोल रिएक्ट करेगा एसिटिल क्लोराइड के साथ वो पारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके समझ में आया, नोट कर लो। हो गया, अब हम देखेंगे हार्ड में थर्ड में कपलिंग रिएक्शन क्या होता है। कपलिंग रिएक्शन मीन्स क्या है, कपल मीन्स क्या है, दोनों दोनों मैन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं, एक कोवेलेंट बॉन्ड दोनों मैन के बीच होगा तो इसको हम कहेंगे कपल। यहाँ पर क्या है, दोनों रिएक्टेंट के साथ वो दोनों रिएक्टेंट एक कोवेलेंट बॉन्ड्स में जुड़े होंगे तो उसको हम कहेंगे कपलिंग रिएक्शन। तो दोनों रिएक्टेंट कौन है, व्हेन फिनोल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, यह है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जाम, इसको अच्छे से देखो। फिनोल बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक एच है, मैं इसे लिख सकता हूं। ओके जब ये रिएक्ट करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC के साथ तब क्या प्रोडक्ट होगा, OHCl हो जाएगा और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन। इस बॉन्ड के क्या कहते हैं हम, आजो ग्रुप, पारा हाइड्रोक्सी आजो बेंजीन। ओके तो एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है ना, हर्ष यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, बच्चों ऑलवेज क्या कर देते हैं, इस एज ओएच ग्रुप का एच को सील के साथ रिएक्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, बेंजीन के जो एच है वो उस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl फॉर्म करेगा। वो जो एच रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेगा वो कौन सा एच है, वो फिनोल का एच है, OH ग्रुप का एच है, OH ग्रुप का एच नहीं है, किसका एच है, बेंजीन रिंग का एच है। यह है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, ऑलवेज क्या करोगे, बेंजीन के जो एच है उसके साथ सेल को रिएक्शन करोगे, OH ग्रुप का एच के साथ नहीं। ओके यहाँ ध्यान दोगे, यह है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से देखो, याद करो इसको। ओके अब हम देखेंगे कोल्ड रिएक्शन। कोल्ड रिएक्शन क्या कहता है, व्हेन फेनोल रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या फॉर्म करेगा, कुछ इस टाइप का करेगा, इसका नाम क्या है, सोडियम फिनाइल, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। ओके जब इसको तुम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दोगे, रीअरेंज
कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? ये हो जाएगा सोडियम सालिसिलेट, सोडियम सालिसिलेट, सालिसिलेट। ओके, तो जब तुम फिनोल को एनएच के साथ रिएक्शन करोगे तब पाओगे सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे पाओगे सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। इसको जब रिअरेंजमेंट कर दोगे तुम पाओगे सोडियम सालिसिलेट। ओके, जब हम इसको एसिडिफिकेशन कर देंगे वाटर के साथ तब क्या होगा? आपका सालिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ओके, यह तुम्हारा मेन प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। कोल्स रिएक्शन में फिनोल रिएक्ट करेगा तो आएगा क्या? सैलिसिलिक एसिड। उसको अच्छे से नोट कर लो, ये दोनों आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, नोट कर लो, हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। वो बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, उसको अच्छे से देखना। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, पीडीएफ नोट है, उसको डाउनलोड करके भी देखना। ओके, क्या है? राइमर टाइमन रिएक्शन, ओके, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। तो क्या कहता है? व्हेन फेनोल रिएक्ट्स विथ, और एक बात पढ़ने से पहले और एक बात कह देता हूं, आपका ये जो नेम रिएक्शन है वो परीक्षा में कॉन्फिडेंटली परसेंटेज अधिक इसके आने से होगा। ओके, जो ये नेम रिएक्शन आपका है एग्जाम में आने का इसका परसेंटेज ज्यादा है। ओके, बाकी अलग रिएक्शन से, समझ रहे हो? आपका नेम रिएक्शन जो है आप उसको जब अच्छे से याद करोगे तो ये आपका एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो नया मेरे रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, ये मेरा कहना है। ओके, अब हम देखेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन क्या कहता है? व्हेन फेनोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस ओनेज, ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस ओनेज, इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या प्रोडक्ट होगा? ओके, तो देखेंगे क्या प्रोडक्ट होगा। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तब कुछ इस टाइप का आपका हो जाएगा। ओके, जब इसको एनएच के साथ रिएक्शन करोगे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सॉरी सॉरी, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जब फिर एनओएच के साथ रिएक्शन करोगे तुम्हारा इस टाइप का कुछ हो जाएगा। जब इसको एसिडिफिकेशन कर दोगे वाटर के साथ तब तुम्हारा ये फॉर्म हो जाएगा, सालिसिलाल एल्डिहाइड, सालिसिलाल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा सालिसिलाल्डिहाइड फॉर्म होगा, ये कहता है प्राइमर टाइमन रिएक्शन। जब फिनोल रिएक्ट्स विद एनओएच इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या फॉर्म होगा? सालिसिलिक सालिसिलाल्डिहाइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, सिमिलर OH क्या होगा, यहाँ पर ONA, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर CCl3, ओके फिर एक NOH दे दो, क्या हो जाएगा OH ONA, ओके सॉरी OH नहीं ONA। जब इसको एसिडिफिकेशन कर दोगे वाटर के साथ तब क्या हो जाएगा OH COOH, ओके सैलिसिलिक एसिड आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब टेट्राक्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर एग्जाम के लिए, उसको अच्छे से देखना और नोट कर लो, ओके ओके याद रह जाएगा। XH HCl लेस करोगे, एक H NA लगाओगे, फिर एक सेल दोनों सेल को बात करके वो लगा दोगे, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, एक ध्यान देकर इसको देखो और याद कर लो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या कहता है, ओके इसके बाद क्या है हाइड्रोजिनेशन, वो क्या कहता है, फिनोल हाइड्रेटेड, आप नोट्स भी देख सकते हो पीडीएफ में है, फिनोल हाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट के साथ जब फिनोल हाइड्रेटेड होगा तब क्या फॉर्म होगा, साइक्लोहेक्सानोल, क्या फॉर्म होगा साइक्लोहेक्सानोल, ओके क्या फॉर्म होगा साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल मींस क्या है, एक साइक्लो ग्रुप है, फिनोल के मींस क्या है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ओके फिनोल और साइक्लोहेक्सेन सेम नहीं है, वो अलग है, कैसे, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये एक साइक्लो ग्रुप है, ओके नोट कर लो, ओके अब हम देखेंगे आपका लास्ट नेमिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल, कंडेंसेशन विथ फॉलिक एनहाइड्राइड, फॉलिक एनहाइड्राइड के साथ जब फिनोल कंडेंसेशन होगा तब क्या होगा, ओके व्हेन टू मोल्स ऑफ फिनोल, ये है इसका थ्योरी, व्हेन इसको याद करना पड़ेगा, व्हेन टू मोल्स ऑफ फिनोल रिएक्ट्स विथ थालिक एनहाइड्राइड, थालिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये है तुम्हारा थालिक एनहाइड्राइड, तो क्या होगा ना इस टाइप का रिअरेंजमेंट होगा, अच्छे से देखो इस टाइप का होगा, H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा बाय प्रोडक्ट, ये दोनों लग जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट, पहले की तरह हम अल्किल हैलाइड में जैसे कर रहे थे, इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब कंडेंसेशन होगा फिनोल तब आपका क्या फॉर्मेशन करेगा, कुछ इस टाइप का फॉर्म करेगा,
कुछ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। इसका नाम क्या है? फेनोल पथालिन, फेनोल पथालिन। ओके, ये हो जाएगा प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर ये बहुत ईजी है, उसका एक बार याद कर लो तो बहुत ईजी कंसेप्ट है। ओके, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, बॉक्स कर देंगे तो बॉक्स में जो होगा वो हो हमारा बाय प्रोडक्ट, और बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर जो होगा वो हो हमारा मेन प्रोडक्ट। ओके, हो गया, नोट कर लो। तो यहाँ पर आपका फेनोल का सब रिएक्शन खत्म हो चुका है, फिनोल चैप्टर भी खत्म हो चुका है। इसके बाद है यूजेस ऑफ फिनोल। फिनोल के यूजेस क्या है ना? फिनोल यूज्ड एज ए मेकिंग ऑफ, यूज्ड एज ए मेकिंग ऑफ बेकलाइट, यूज्ड एज ए डाइज, एंटीसेप्टिक्स, ड्रग्स का रॉ मटेरियल भावे। ओके, रॉ मटेरियल के द्वारा आपका फिनोल यूज होता है एंटीसेप्टिक्स और ड्रग के साथ। ओके, एक वुड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी आपका यूज हो सकता है। ओके, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड में यूजेस। इसको आप याद कर लेंगे, एक बार पढ़ देंगे और याद कर लेंगे। आपका मेन है वो जो अब हम पढ़े, नेम रिएक्शन, ये है आपका बहुत ही जरूरी पार्ट ऑफ फिनोल। ओके, तो फिनोल को और एक बार रिवाइज कर दो पहले के पहले से, हम जो भी पढ़ा है। ओके, तो अब हम इसके बाद लेक्चर में हम इथर स्टार्ट करेंगे। ओके, इथर के क्लासिफिकेशन टाइप्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका फिनोल खत्म हो चुका है। तो वीडियो को हमारा आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे और लाइक करोगे, और आपका जहाँ भी प्लस टू स्टूडेंट्स हैं उसके उसको पास ये वीडियो पहुँचाएंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहो, हमारा वीडियो को देखते रहियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।